अरे सुनो भाग्यवान, क्या सुनूं मैं? जब से ब्याह कर कर आई हूँ तब से आप ही को बात सुन रही हूँ। अब बहुत हो गया, आप मेरी बात सुनिएगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं परेशान हो गया हूँ इस रोज रोज के झगड़े से, इसीलिए मैं शांति के साथ अब रहना चाहती हूँ। अरे कौन है ये शांति नाम का चुड़ैल? उससे ही तुमको ब्याह करना था तो मुझे इस घर में क्यों लाए हो? अरे भाग्यवान, शांति नाम की कोई लड़की नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं खुशी के साथ रहना चाहती हूँ। हे भगवान, इस आदमी को तो दो लड़की के साथ चक्कर है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे पहले से पता चल जाता तो इसके साथ मेरी जूठी भी शादी नहीं करती। अरे क्या हुआ भाभी जी, आप इस तरह दुखी क्यों हो रही हो? अरे क्या कहूँ भाई साहब, मेरी जिंदगी तो झंड हो चुकी है और चेहरे पे मायूसी अखंड हो गई है। आपके दोस्त मकोरी लाल का शांति और खुशी के साथ अफेयर है। अरे भाभी जी, मैं भी जानता हूँ, अब इसे छोड़ो, अब दूसरा के यहाँ जाओ तुम। अब नहीं भाई साहब, जब तक हम इसे नहीं मारेंगे तो ये सुधरेंगे नहीं। बिटिया, ओ बिटिया, फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों मम्मी, हम तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं पगली, आज तुम्हें लड़का वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, अभी मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तैयार हो गई बिटिया? हाँ मम्मी, मैं आधे घंटे से तैयार होकर बैठी हूँ। कब आएंगे मेहमान? ओ बस रास्ते में ही आते ही होंगे। तुम ध्यान से सुनो मेरी बात, जब लड़के वाले तुमसे पूछे तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तो बोल देना 10वीं में 10 बार फेल हो गई हूँ। अरे मम्मी, वो पूछेंगे तो खाना बना लेती हो तो मैं क्या बोलूँगी? उन्हें बोलना कि मैं बना लेती हूँ, आधी रोटी कुत्ते के देती हूँ, आधी रोटी खुद खा लेती हूँ। अब चुप हो जाओ। आ गए समधन जी, आओ आओ समधन जी। अरे बिटिया, होने वाले सास को तुम पैर छुओ। पाय लागू माँ जी। अरे समधन जी, आपकी बिटिया तो बहुत संस्कारी है, क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी जी, संकोच पूछ सकते हैं, ये आपकी ही बिटिया है। ठीक है समधन जी, पूछती हूँ। अरे बिटिया, तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? देखो जी, मैं 10वीं में 10 बार फेल हो चुकी हूँ और स्कूल से मुझे अवार्ड भी मिला है। और बिटिया, तुम खाना बना लेती हो? हाँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। एक रोटी बनाती हूँ तो आधी रोटी कुत्ते को देती हूँ, आधी रोटी खुद खा लेती हूँ। अरे समसन जी, आपकी बेटी तो पूरी तरह से पागल है, आधी रोटी कुत्ते को देती है, आधी रोटी खुद खा लेती है, तो हम लोग क्या खाएंगे बोलिए आप।